हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट आप कैसे स्टाइल कर सकते हो साड़ी को ऑन टॉप ऑफ योर लहंगा जी हाँ बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी ये लुक होने वाली है बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटिंग नहीं रखूँगी मैं इस लुक को और ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगती है एंड वेरी वेरी यूनिक एक्चुअली <laughs> तो फैब्रिक आप कोई भी यूज कर सकते हो आप अगर हैवी साड़ी को ड्रेप करना चाहते हो आप हेवी साड़ी भी ड्रेप कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ योर लहंगा एंड अगर आप लाइट वेट साड़ी इस तरीके की साड़ी ड्रेप करना चाहते हो तो वो भी आप ड्रेप कर सकते हो ठीक है स्कर्ट की बात करें तो अच्छे घेरे वाली आपकी स्कर्ट होनी चाहिए प्रेफरेबली आप वो स्कर्ट यूज़ करें जिसके अंदर कैन कैन लगा हो क्योंकि बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड हो जाएगा और यू नो इट विल गिव अ वेरी डॉल काइंड ऑफ इफ़ेक्ट और बहुत सुंदर लगता है अगर आपकी स्कर्ट में अच्छा वॉल्यूम होगा कैन कैन होगा बहुत अच्छा फ्लेयर होगा तो आपकी जो ये घूमट है ना ये जो साड़ी का घूम होता है वो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है तो जो स्कर्ट मैं आप इसे स्टाइल करने वाली आपने देखी है वो स्कर्ट वो स्कर्ट स्कर्ट है 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 सिल्क फैब्रिक में में बहुत अच्छा फ्लेयर बट इसके अंदर कैन -कैन नहीं है, तो वो वॉल्यूम जो आ, मुझे वॉल्यूम पसंद है उस तरीके का वॉल्यूम नहीं मिलेगा बट स्टिल इट विल लुक वेरी वेरी गुड तो या ये चीज हमेशा ध्यान रखें अगर आपको वो, वो अच्छा घेरा चाहिए तो एक अच्छा वॉल्यूम कैनकेन वाला जो स्कर्ट आता है ना या लहंगा आता है आप उसके ऊपर भी साड़ी को ड्रेप कर सकते हो तो या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ये लुक है एंड ट्रस्ट भी इतना ईजी लुक आपने मेरे चैनल पर नहीं देखा हो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इफ यू डू कंसिडर सब्सक्राइब इन टू माई चैनल कुछ नहीं जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यार लाइक like कर देना शेयर कर and देना आजकल मैं अपने चैनल पे बहुत सारे स्टाइलिंग वीडियोस पोस्ट कर रही तो अगर आपने वॉच नहीं की है मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है तो प्लीज स्टाइलिंग वीडियो की प्ले लिस्ट पर क्लिक करिएगा एंड यू कैन एन्जॉय ऑल माई लुक्स राखी के ऊपर भी मैंने एक लुक क्रिएट की है तो अगर आपने वॉच नहीं की आई विल लिंक हेयर ऑन द स्क्रीन प्लीज वॉच करिएगा तो चलिए अब बहुत सारी बातें हो गई लेट्स जंप राइट इन टू दिस वीडियो आई एम श्योर यू विल लव 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 दिस इजी पीजी सो या Now let's get started. तो मैंने ब्लाउज पहन लिया है और मैंने ये स्कर्ट पहनी है ये स्कर्ट थोड़ी सी लूज है इसलिए मैंने ये बेल्ट पहनी है सो दैट कि जब मैं इसके अंदर साड़ी टकिन करूँ तो आराम से वो अच्छे से, से सेट हो जाए ऑल right? काफी अच्छा फ्लेयर है इस स्कर्ट का और सबसे पहले आप अपनी हील्स पहन लीजिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो साड़ी है वो फॉल होगी ऑल राइट अब ये जो अब ये जो साड़ी है ये बहुत ही सुंदर जॉर्जेट मटेरियल में साड़ी है प्रिंटेड है और इसका जो बॉर्डर है उस पर है सीक्वेंस वर्क बहुत ही अच्छी लगती है तो सबसे पहले हम बनाएंगे शोल्डर प्लीट्स जैसे ही आपकी प्लीट्स बन जाएं आपको क्या करना है इस तरीके से आपको सब प्लीट्स को गैदर करना है राइट फिर आपको क्या करना है एक सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन से आपको प्लीट्स को सिक्योर कर देना है क्योंकि ये स्टेप करने से क्या होता है कि आपकी प्लीट्स सिक्योर रहेंगी और गिरेंगी नहीं ऑल राइट फिर इसके बाद मैं शोल्डर पर लेके जाऊँगी इस प्लीट्स को और इस तरीके की लेंथ होनी चाहिए आपके पल्लू की ऑल राइट ज़्यादा छोटी होगी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है लंबी पल्लू लंबा पल्लू ही अच्छा लगता है प्लीट्स है मेरी लेफ़्ट साइड पे तो मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड से लेफ़्ट साइड पर पूरा फैब्रिक लेके आना है और इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ मेक श्योर करें आप इसको ज़्यादा खींचे ना ठीक है अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो आपकी साड़ी फट सकती है और अपनी स्कर्ट के साथ आप अपनी साड़ी को पिन कर सकते हैं यूजिंग अ सेफ्टी पिन इससे बहुत अच्छा एक एलिमेंट क्रिएट होता है अराउंड योर वेस्ट ठीक है अब ये जो रिमेनिंग फैब्रिक है इतना फैब्रिक हमें छोड़ना है अब यहाँ से हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे जो हम टक करेंगे अपने नेवल के नीचे प्लीट्स बनाना बिल्कुल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है आपको अपना राइट थंब लेना है एंड आपको अपनी जो पिंकी फिंगर होती है वो लेनी है ठीक है बस आपको ऐसे रोटेट करते रहना है जैसे मैं कर रही हूँ और आराम आराम से आप प्लीट्स बना सकते हैं मेक श्योर sure करें आपकी प्लीट्स एक जैसी हों अलग अलग ना हों और अगर वो अलग अलग होगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा एलिमेंट क्रिएट नहीं करेगी सो so, या इस तरीके से आपकी प्लीट्स फॉर्म होनी चाहिए अब ये जो प्लीट्स हैं आप इसको टक करेंगे अपने Uh, जहाँ पे आपकी नेवल होती है ना एक्जैक्टली exactly आपको वहीं पे इसको अंदर की तरफ टक करना है अब ये जो रिमेनिंग फैब्रिक है हमें क्या करना है इस फैब्रिक का हमें इसकी भी प्लीट्स बनानी है ठीक है जैसे मैं कर रही हूँ राइट तो इसकी प्लीट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है यू विल गैदर ऑल द फैब्रिक और आप उसको लेके जाएंगे पीछे की तरफ अभी मैं आपको दिखाऊंगी जी हाँ यहाँ पे आप इसको पीछे की तरफ आप इसको टक कर देंगे आप चाहे तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं इस मेथड के लिए अंदर सिक्योर हो जाएगा और ज़्यादा और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गिर रहा है तो आप अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं प्लीट्स को एंड या दैट्स इट बहुत ही इजी ड्रेप है ये गाइस और अगर आपका नीचे से थोड़ा दिख रहा है ना जो स्कर्ट दिख रही है इट्स ऑल राइट नो प्रॉब्लम इन दैट अच्छा लगता है वो ठीक है तो या yeah, आप अगर अपना लहंगा दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं साड़ी को थोड़ा सा और आप ऊपर बांध सकते हैं ज्वेलरी के लिए मैंने चोकर पहना है एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है टिक्का पहना है एंड बहुत अच्छी एक साड़ी ड्रेपिंग लुक रेडी है है ना कितनी सिंपल तो आप कोई भी साड़ी हो चाहे वो हैवी है चाहे वो लाइट है आप कोई भी साड़ी को ड्रेप कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ योर लहंगा इट्स वेरी वेरी इजी एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ग्लैमरस लगता है आपकी ममा भी कर सकती है ये लुक और आप खुद भी कर सकते हो तो बहुत ही मॉडर्न लुक है ये बहुत ही शीख है और एक हल्का सा ट्विस्ट देने से देखो कितना पूरा एक आपका आउटफिट ही चेंज हो गया सो so, या yeah, इस तरीके से आप साड़ी को ड्रेप कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ योर लहंगा एंड ट्रस्ट मी आपको नए नए आउटफिट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऐसी एक स्कर्ट है जिसके अंदर वॉल्यूम है और आपके पास एक सुंदर सी साड़ी है तो आप इस तरीके से आप बांध सकते हैं साड़ी को अगर आप थोड़ा सा और एलिमेंट देना चाहते हैं अपनी साड़ी को तो आप क्या कर सकते हो आप कोई भी वेस्ट बेल्ट पहन सकते हो देखिए अब और ज़्यादा सुंदर लग रही है ये साड़ी लुक राइट सो so, या yeah, इस तरीके से आप कोई भी मेटल की चेन वेस्ट बेल्ट जो होती है वो पहन सकते हैं या इनफैक्ट जो स्लीक बेल्ट होती है वो भी वेयर कर सकते हो सो इट कैन टोटली चेंज योर साड़ी लुक तो या ये थी साड़ी लुक ड्रेपिंग कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके और फ्यूचर में अगर okay. ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो डू लेट मी नो तो चलिए अब आपको मिलती हूँ मैं दूसरी वीडियो में टिल देन यू स्टे हैप्पी लव योर सेल्फ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल सो सो मच टेक केयर बाई